वेलकम टू अन अकेडमी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो वंस कंफर्म मी दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू प्रॉपरली। ऑडिबल विजिबल सबको अच्छे से है। एंड गाइस, ये सीरीज है आप लोगों की द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, दैट इज वन एंड ओनली आर्ट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। लाइव हो रही है रेगुलरली 7 PM, हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड अनलॉक करने के लिए आप लोग मुझे अन अकेडमी की ऐप पर भी फॉलो कर सकते हो, और उस वहाँ पे अनलॉक करने के लिए फ्री क्लासेस के लिए आपको इस्तेमाल करना है एक कोड जिसका नाम है एंक लाइव, ANKLIVE। आप लोग इस्तेमाल यहाँ पे कर लीजिए। आप लोगों के लिए बेस्ट पॉइंट है कि अन अकेडमी की तरफ से आपको सरप्राइज मिलता है। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 1 ईयर का आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलता है। तो गाइज, ये 14 जुलाई तक अब आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप लोग यूज करके मेरा कोड दैट इज एंक लाइव आप इस सबको इस्तेमाल कर सकते हो। हाय रिदम, गुड इवनिंग। सबसे पहले बहुत बढ़िया प्रॉमिस वीक चल रहा है भाई, ठीक है ना। तो अनअकैडमी की नोट्स मेंस वाले SS 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोन भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। सो लोन के लिए अप्रूवल आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करेंगे तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11 जुलाई को सुबह 11 बजे आप लोगों का एक टेस्ट होने वाला है। 60 मिनट्स में 20 क्वेश्चन होंगे। बेस्ट रैंकर्स को अच्छे खासे रैंक आप लोग जीत सकेंगे। टॉप रैंकर को 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। एनरोल करना है यूजिंग माई कोड दैट इज ANKLIVE, ANKLIVE आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे एनरोल करना है। फ्री एनरोलमेंट रहेगा, ओके। 14 जुलाई से कुछ बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, आप लोग एक नज़र दौड़ाइए इन पे। एंड कोई भी डाउट क्वेरी रहती है इनसे रिगार्डिंग, आप लोग अनअकैडमी के प्रोफाइल मेंशन है लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, तो उसके थ्रू जाके आप कंफर्म कर सकते हो। एंक लाइव आपको कोड इस्तेमाल करना है, चाहे आप आइकॉनिक लेते हो चाहे आप प्लस लेते हो। तो अभी आप लोगों के लिए एक्साइटिंग ऑफर्स निकल रही हैं, तो आप लोग क्यों मिस करेंगे उस चांस को, ठीक है। एंड वेलकम विशाल, संतोष, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। चलते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं बात अपनी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बायो मैग्निफिकेशन। आई थिंक अभी तो इको नहीं होगा। बायो मैग्निफिकेशन और पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पॉल्यूटेंट का मतलब होता है कि मतलब कण, पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूट पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं वे कण, वो पॉल्यूटेंट बोले जाते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे टॉपिक लेवल से होके निकलते हैं, आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे प्रेफर करिएगा, ठीक है। एक बार सुनो ध्यान से, पॉल्यूटेंट का मतलब मान लीजिए प्लास्टिक है, ठीक है। प्लास्टिक एक छोटा सा टुकड़ा है, वो भी एक पॉल्यूटेंट है। वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा, वो उसका ट्रॉपिक लेवल है जब वो ट्रांसफर कर रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है, ठीक है। अब वे वाले पॉल्यूटेंट जो खत्म नहीं होते, जो वैनिश नहीं होते, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ठीक है। जैसे प्लास्टिक है वो खत्म थोड़ी होता है ना, नॉन डिग्रेडेबल होता है, यानी कि विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द डेट्रीबोर्स, उसको खत्म कर ही नहीं सकते हैं, वो तो कंटिन्यूसली चीज चलती रहती है। दैट इज एक्चुअली अ पॉल्यूटेंट, परसिस्टेंट वाला होता है जो हमेशा लगातार चलता रहता है, ठीक है। एक होते हैं क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि मोस्ट डैमेजिंग पॉल्यूटेंट होते हैं और लंबे समय तक जो है चलते रहते हैं, साल, 2 साल, 1000 साल, इतने लंबे साल तक वो लोग चलते रहते हैं। नाउ आप लोगों को वेलकम प्रीति सोजने, गुड इवनिंग गाइस। आपको ना दो कंसेप्ट सीखने हैं, अभी दो कंसेप्ट में क्या सीखना है। वन इज अ बायो एक्यूमुलेशन, क्या सीखना है भाई, बायो एक्यूमुलेशन। एंड द सेकेंड वन इज अ बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन आपको बातें करनी है। चलो मैं एक बार इसको ठीक कर लेती हूँ, गिव मी सम टाइम। मे बी अभी सब ओके हो, मे बी कांट से, ठीक है। सो सुनो, आप लोगों को दो टॉपिक करने हैं, वन इज अ बायो मैग्निफिकेशन, अदर वन इज अ बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाना पूरी फूड चेन में पोल्यूटेंट्स का, गंद का, पोल्यूटेंट का, पोल्यूशन का फैल जाना, पूरी फूड चेन में एंटर हो जाना, ठीक है। मान लो किसी भी एक छोटी फिश ने कोई एक चीज खाई है, ठीक है, कोई प्लास्टिक खा ली मान लो,
अब इस छोटी फिश को किसी बड़ी फिश ने खा लिया, मान लीजिए इसको बड़ी फिश ने खा लिया, इसको किसी शार्क ने या बहुत बड़ी फिश ने खा लिया, फाइन। अब इस फिश को किसी ह्यूमन ने खा लिया, ठीक है, मतलब उसको वो पकड़ लिया उसको वहां से, तो इन चारों की कंडीशन में एक फूड चेन में वो एंटर हो गया। तो वो पॉल्यूटेंट जो पूरी फूड चेन में एंटर हो गया, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट इज नॉन एज अ बायो एक्यूमुलेशन। प्रीति अभी ओके है क्या, बताइए एक बार। नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन। आई थिंक तो हो जाना चाहिए, बट फिर भी बता दीजिए कि सब सही है क्या। नाउ फाइन, सो एक्यूमुलेशन इज जस्ट द मीन, जस्ट द मीन कि जब फूड चेन के अंदर पॉल्यूटेंट ऐड करते हैं और उसी में ही उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो चीज आपका हो जाता है। कंटिन्यू, अरे चलो फिर, थैंक यू। एक है बायो एक्यूमुलेशन। देखिए आप लोग इस इमेज से आपको एक चीज एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगी। देखो एक एक कुछ फिश है, फिश है, इन फिश ने पॉल्यूटेंट खाए तो इनमें थोड़े से पॉल्यूटेंट इनके जमा हो गए, देखो थोड़ा थोड़ा शेड हो रहा है, फाइन। एक ही उसमें हो गया। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, फूड चेन में, फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को ही खाए, अपने आप की स्पीसीज को ही, मतलब एक तरीके से वो करेगा, किसी दूसरी को वो चीज नहीं ईटन करेगा। तो इस स्पीसी जैसे जैसे वो बढ़ती गई, जैसे जैसे वो बढ़ती गई, इसी में ही पॉल्यूटेंट की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन मैग्निफिकेशन की बात करें तो पूरी फूड चेन में, जैसे छोटे क्रैब ने खा लिया, फिर मछलियों ने खा लिया, फिर किसी ऑक्टोपस या किसी बड़े जानवर ने खा लिया, इसके बाद किसी बियर ने खा लिया, किसी बड़े उसने खा लिया, तो पूरा मैग्निफाई हो गया, पूरे जगह जो कंटामिनेंट के लेवल है एक बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, वो चीज हो जाएगी बायो मैग्निफिकेशन। ओके, सो सिंपल सा मतलब है पॉल्यूटेंट का इकट्ठा होना, एक ही ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाना सेम फीचर्स के, जैसे दोनों फिश में ही जाना, तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। इसमें डीडीटी जो होता है, जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब आप लोग ये बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो ये बिल्कुल छोटी सी क्रिल्स हैं, छोटी छोटी मछलियां होती है बिल्कुल ही, ठीक है, इनको सैल्मन पॉलक ऑयस्टर ने खा लिया, फिर इनको ट्राउट टूना ने खा लिया, फिर इसको शार्क ने खा लिया, तो ये एक ही फूड चेन में चल रही है, एक ही फूड चेन में। क्या है ये, एक्यूमुलेशन या मैग्निफिकेशन? एक्यूमुलेशन है ना, वेरी गुड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो वो फूड चेन में एंटर हो गया। अब यहाँ पे देखो पानी में था, पानी में से प्रोड्यूसर में आया, प्रोड्यूसर से जू प्लैंकटन ने खाया, जू प्लैंकटन से स्मॉल फिश ने, फिर लार्ज फिश ने, फिर किसी बर्ड बर्ड ने खा लिया, तो अलग ही सब जगह ट्रॉपिक लेवल में शेयर हो गया, तो आपका वो कहलाएगा बायो मैग्निफिकेशन। प्रीति क्लियर है क्या आपको ये वाली चीज, एवरीवन क्लियर हो गई ना? So, अगर वो चीज आपकी अलग अलग उसमें आती है, वो मैग्निफिकेशन हो जाता है, प्रोग्रेसिव होते हैं, हर ट्रॉपिक लेवल को कन्वर्ट करता है, हर ट्रॉपिक लेवल से होके वो निकलता है, तो दैट इज नॉन एज अ बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैमल्स में मिल्क प्रोड्यूस बाय फीमेल्स इज टेस्टेड फॉर पॉल्यूटेंट सिंस द मिल्क हैज अ लॉट ऑफ फैट इन। अब ये भी बायो एक्यूमुलेशन है, एक उससे चलता ही जा रहा है, फाइन। तो आगे आता है भाई, एक नया टॉपिक आता है अपने सामने, बायोटिक इंटरैक्शन। आजकल यूपीएससी बायो मैग्निफिकेशन और एक्यूमुलेशन दोनों पे वर्ड्स पूछ रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है बायोटिक इंटरैक्शन। क्या आता है? बायोटिक इंटरैक्शन, जो जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से कैसे संबोधित होते हैं, इंटरेक्शन रखते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक डियर का और एक लॉयन का है, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं ना, यस और नो? ये सोच डियर ये सोचता रहेगा कभी लॉयन ना आ जाए, लॉयन ये सोचता रहेगा कभी यहाँ डियर कहाँ मिलेगा मेरे को, है ना। या फिर आप किसी मतलब किसी पैरासाइट की बात करो, मॉस्किटो की बात करो, मॉस्किटो क्या वेट करेगा, मॉस्किटो क्या वेट करेगा कि कोई ना कोई ऐसी जगह आ जाए जिसपे वो रह सकेगा, सरवाइव कर सकेगा, है ना। सो हर एक जीव जंतु में एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, उसी चीज को बायोटिक इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, दो वर्ड आप लोग सीख लो, एक है प्रे, एक है प्रीडेटर। प्रे मतलब जो खाना है, प्रीडेटर मतलब जो खाएगा,
ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फूड और ह्यूमन, एग्जाम्पल के लिए डियर और लॉयन, एग्जाम्पल के लिए रैट और कैट, एग्जाम्पल के लिए कैट और डॉग, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए ग्रास होपर या फिर आपका इधर स्नेक मान लो। तो ये हो गया प्रीडेटर, जो इसका वो भोजन है, और प्रे जो उसका खाना है एक्चुअली में, वो चीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, ये होता है इंटरेक्शन होना, बायोटिक इंटरेक्शन। अब हम लोग इनको वन बाय वन बेनिफिट समझते हैं। एक सबसे पहला टॉपिक आता है अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। गुड इवनिंग नरेंद्र। अमेंसलिज्म देखो, एक के होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो और साइड में आपके कोई दूसरा व्यक्ति आके खड़ा हो गया, उसको अच्छा लग रहा है, उसकी कंपनी मिल रही है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एग्जाम्पल के लिए बस स्टैंड पे आप खड़े हैं, और क्या बोलते हैं कि बस स्टैंड पे खड़े हो और बिल्कुल खाली बस स्टैंड है, आप खड़े थे अकेले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके साथ कोई एक और व्यक्ति आके वहीं पे खड़ा हो गया, उसको कोई मतलब उसको सेटिस्फेक्शन हो रही है, उसको अच्छा लग रहा है कि चलो कोई तो है, तो वो अकेला महसूस नहीं कर रहा, उसको अच्छा लग रहा है, बट उसके होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट एक मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा। अब देखो एग्जाम्पल, ये एक बड़ा ट्री है, ये एक बिग ट्री है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, इसको किसी आसपास में कुछ है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसके पास इसकी छत्र छाया में ये दो छोटे ट्रीज हैं, इन छोटे ट्रीज को अच्छी आराम मिल रहा है, शेडो वेडो मिल रही है, लेकिन बड़े को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। यस और नो, समझ गए एग्जाम्पल से? सो दिस इज नोन एज एग्जाम्पल ऑफ एमेंसलिज्म। वेलकम विनीत एंड नरेंद्र, दिस इज नोन एज एग्जाम्पल ऑफ एमेंसलिज्म। फिर आ रहा है भाई प्रीडेशन। गुड इवनिंग निकिता, गुड इवनिंग। फिर एक कंसेप्ट आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेटरी सुना है, परजीवी, हिंदी में परजीवी, पैरासाइट। जैसे देखो हाँ, इसमें जो प्रीडेटर है, परजीवी है, उसको तो बेनिफिट होता है, लेकिन जिसको जिसपे वो परजीवी बैठेगी उसको कोई बेनिफिट, उसको हार्म पहुंचेगा, उसपे नुकसान होगा। एग्जाम्पल देखो ये वाली चीज, जैसे यहाँ पे देखो, ये हर्बीवोर में डी इसका जेब्रा का और जिराफ का, और आप ट्री का देख रहे हो, ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप एग्जाम्पल इसका देखेंगे जिराफ का, तो जिराफ का पेट भर जाएगा। फाइन, अभी पैरासाइट, अभी ये कोई जानवर है, ये अगर इस पे बैठ जाएगा, ठीक है, पैरासाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इसको फर्क पड़ेगा, इसके जो मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो खत्म हो जाएंगे, वो वीकनेस फील करेगा। याद रखना, वो मरेगा नहीं, पैरासाइट मारती नहीं है, मारती नहीं है पैरासाइट। एग्जाम्पल के लिए इसको ये मरेगा, इसको नुकसान होगा, है ना, इस केस में। तो दी ज्यादा पैरासाइट प्रीडेटर की बात आप करते हो निकिता। ओब्वियसली आई नो कि मेरी अभी है नहीं, क्या बोलते हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, बट अगर मैनेज होती है तो आप लोग करिए, ठीक है। प्रीडेशन सुनो, वो 1 मिनट, प्रीडेशन था ये। तो प्रीडेशन में क्या होता है, खाना और खाने वाला, दो वर्ड है, खाना है और एक खाने वाला है। तो यहाँ पे ये इसका प्रे है और ये इसका प्रीडेटर है, दोनों का ही इंटरेक्शन है, दोनों अलग है ये चीज। आगे आता है पैरासाइट, पैरासाइट था एक्चुअली, मैं उसको वो ले गई, सॉरी। पैरासाइट जैसे हम लाउज एग्स की बात करते हैं, है ना, और सिर में होती है, हमें हमें ऑल दो फर्क पड़ता है, बट उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैनेज कर लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक ही नहीं होता, आई कुड नॉट से। अब कोई मच्छर आपके हाथ पे बैठता है, हमें खारिश होती है, हमें इचिंग होती है, बट उसको क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, मरेगा तो ही फर्क पड़ेगा बेचारे में, उसके ऊपर अगर हाथ आ गया तो ही फर्क पड़ेगा। सो पैरासिटिज्म में पैरासाइट किसी दूसरे का सहारा ढूंढती है, किसी बॉडी का सहारा ढूंढती है कि उसको मतलब रहने को मिल जाए, और जिस बॉडी पे रुकेगी उसको होस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसके नरिशमेंट उसके मतलब वो ले लेती है। एक बात मुझे बताओ, पैरासाइट क्या दूसरे को मार देती है, दूसरे बंदे को किल कर देती है, अपने होस्ट को किल कर देती है, क्या ऐसा कुछ है, पैरासाइट होस्ट को किल कर देती है? आई थिंक तो नहीं करती ना, हाँ
ओनली हार्म करके, नहीं नहीं प्रीति मारती नहीं है, मारती नहीं है, पैरासाइट की ये बात है कि वो आप देखो अगर आपको कोई मच्छर ने काट लिया आपको वैसे थोड़ी है कि उसके काटने से मर जाएंगे, ऑब्वियसली नॉट, एक दो सेकंड के लिए इचिंग होगी, दैट्स इट्स ओके, है ना। पैरासाइट हार्म करती है लेकिन किल नहीं करती, एक और आगे ऑर्गेनिज्म आएगा वो किल कर देगा, इसलिए हम बातें आगे करेंगे। कंपटीशन, कंपटीशन में आप देखो ये दोनों बराबर के ही कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों बराबर के लड़ रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन होता है दो पॉपुलेशन में, स्पीसीज में, ठीक है, तो दोनों सेम सेम होने वाले हैं तब उनमें कॉम्पिटिशन होता है। जैसे जैसे आप बात करो इंटरेक्शन होना ऑर्गेनिजम्स में स्पीसीज में, जब स्पीसीज हार्म होती है दोनों ही, दोनों ही, एक मिनट आप बताओ मुझे ये चीज बताइए, क्या इसमें से ऐसा कुछ होगा ए और बी में से कि भाई बी को नुकसान हो जाएगा ए बिल्कुल सेफ खड़ा रहेगा, ठीक है ना, वो तो नहीं रहेगा ना। हाँ कौन, क्या चीज, लास्ट पॉइंट कौन सा, ये फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड ए पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। हाँ एक्चुअली फीमेल मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं माना जाता क्योंकि उसको ब्लड चाहिए होता है, बिकॉज इट डज नॉट लिव ऑन द होस्ट, फिर वो होस्ट पे लिव नहीं करती, सर्वाइव नहीं करती, उसको वो हार्म एक्चुअली में करती है, ठीक है, तो उसको ब्लड चाहिए होता है, उसे पैरासाइट नहीं बोलते हैं आप लोग, वो अलग होता है। अब इसमें दोनों को ही नुकसान होने वाला है तो ऑब्वियसली ये कॉम्पिटिशन होता है। एग्जाम्पल ये दो ऑर्गेनिज्म है दोनों कॉम्पिटिशन में चल रहे हैं, दोनों को फूड वाटर चाहिए कॉम्पिटिशन में। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, अब देखो अब इससे क्या हो रहा है, एक को बेनिफिट होगा लेकिन होस्ट को ना तो कुछ नुकसान होता है ना ही कोई दिक्कत होती है उसे, ठीक है। कमेंसल में बेनिफिट होगा एक को, एक को बेनिफिट होगा लेकिन दूसरे को कोई हार्म भी नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, वो एक कमेंसलिज्म होता है, ठीक है, दूसरे को फर्क नहीं रहता। जैसे सकर फिश ओपन अटैच टू शार्क, एक फिश होती है वो शार्क के ऊपर बैठ के तैरती है क्योंकि शार्क होती है बड़ी और सकर फिश होते हैं छोटी छोटी, तो वो शार्क के ऊपर बैठ के पानी में तैरने का आनंद लेती है, तो उसको कोई नुकसान थोड़ी है, शार्क को कोई नुकसान नहीं है, सकर फिश बस उसका हेल्प ले रही होती है कि प्रोटेक्शन उसको मिल जाती है, ठीक है, वो एक चीज है। यहाँ पे आगे आते हैं भाई, देखो कमेंसलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल, ये एक जानवर है बड़ा और इसपे ये जो बैठा है क्या बोलते हैं जो भी है ये इसके ऊपर बैठा है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है ना, इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, ये इन दोनों में ये पीछे से इसको देख रहे अभी कोई दिक्कत नहीं है, जब ये पीछे मुड़ के देखेगा बेशक दिक्कत हो जाए, है ना, तो वो एक कंसेप्ट यहाँ पे आपका रहता है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल में दोनों को नुकसान होता है, दोनों का इंटरेक्शन दोनों के लिए फेवरेबल होता है, दरअसल अच्छा होता है दोनों के लिए, जैसे फ्लावर्स या पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स को जरूरी होता है ग्रो करने के लिए, पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट का जरूरी होते हैं, तो इस केस में आपको म्यूचुअलिज्म दोनों का इंट्रैक्शन होना जरूरी है, ठीक है बगुला, ओके हाँ जी बिल्कुल। एंड म्यूचुअलिज्म में दोनों को पॉजिटिव मतलब दोनों को अच्छा इफेक्ट रहता है, कमेंसलिज्म में एक को तो अच्छा मिल रहा है, जो बगुला बैठा है जानवर पे उसको तो अच्छा मिल रहा लग रहा है, वो दूर तक देख पा रहा है, लेकिन जो दूसरे था वो न्यूट्रल है, उसे कोई नहीं फर्क पड़ रहा, जा भी देख ले कोई बात नहीं, है ना। पैरासिटिज्म में एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को नहीं हो रहा है, फाइन, तो वो एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी करिए, अगर आपको क्लियर होता है कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। सो ये क्लोज एसोसिएशन को सिम्बायोसिस भी आप लोग बोल सकते हैं, सिम्बायोसिस एक इंटेंस म्यूचुअलिज्म होता है, जैसे कोरल और जूजेंटले का होता है वो भी एक सिम्बायोसिस है, दैट इज ऑल्सो अ म्यूचुअलिज्म आप उसे बोलेंगे। आगे आते हैं न्यूट्रलिज्म, भाई समाज सेवा, समाज से कोई लेना देना ही नहीं हमें, यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है, जो हो रहे हैं होने दो, कोविड आगे आने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, न्यूट्रल है। बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं उन्हें किसी के पॉजिटिव नेगेटिव होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, न्यूट्रल होते हैं, बोल रहे हैं तो बोले जा भाई, ठीक है, टेंशन आ रही है तो आके चली जाएगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सो कोई फर्क नहीं, अभी आराम से गाय बैठ के काउ जो है वो धूप में सेक रही है, सर्दी आ गई है, आराम से सेक रही है, ठीक है, कोई मतलब नहीं उनको कहाँ पे क्या हो रहा है, मनाली जाने वाले, हाँ ये बात सही है आपकी, सोचन है मनाली अभी जो जाने वाले हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा अपना, चाहे कोविड क्या भी आए, कुछ भी आए, कुछ भी करे, तो दे डू नॉट वरी अबाउट द थिंग ना, तो आगे तो भाई आता है तो दीज आर द न्यूट्रल बंदे। हाँ जी कमिंग अहेड, आगे आइए भाई, आगे आइए,
बायो जियो केमिकल साइकिल, ये सेक्शन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब। ओके, बायो जियो केमिकल साइकिल में क्या होता है कि जो केमिकल्स की साइकिल होते हैं जिसकी वजह से अपना पूरा एनवायरनमेंट सरवाइव करता है, ऊपर नीचे सब होता है, वो होती है बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, जैसे एनर्जी का फ्लो होना, इवेपोरेशन होना, सारी चीजों का इधर से उधर होना, वो बायो जियो केमिकल्स की वजह से होता है। बात हम करें न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है। बात हम सबसे पहले करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल की, एक न्यूट्रिएंट वाली और एक नाइट्रोजन वाली, दो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे देखो भाई, एग्जाम्पल के लिए मान लो कुछ प्रोड्यूसर हैं ग्रीन प्लांट वगैरह, ठीक है, ग्रीन प्लांट है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, इनको किसी ने खा लिया, एग्जाम्पल किसी एनिमल ने खा लिया, एग्जाम्पल के लिए ग्रास ऊपर ने खा लिया। ओके, ग्रास ऊपर को अभी जरूरी है कि कोई और ही खाएगा, वो नेचुरली नहीं मर सकता, ठीक है, वो बूढ़ा हो गया, कोई आया ही नहीं उसे खाने के लिए, वो वेट भी कर रहा था, बूढ़ा हो गया, मर गया, हो गया उसका टाइम पूरा, ठीक है, तो डाई हो गया, डाई होने के बाद वो मर जाएगा ऑब्वियसली। एंड डीकम्पोजर जो होंगे, फंगी और बैक्टीरिया, नॉट द वायरस, प्लीज बी रिमेम्बर, वायरस नहीं आएगा, फंगी और बैक्टीरिया उसकी बॉडी को सॉइल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब उसकी सॉइल में ह्यूमस या मिनरल्स दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट। अब ग्रेजुअली जब उसमें पानी ऐड होता रहेगा उस सॉइल के अंदर, वो मिनरल्स अच्छे उभर जाएंगे और फिर से वहीं पर ही प्लांट्स जो है वो ग्रो होके आएंगे। होता है ना ये वाली साइकिल, दिस इज नोन एज अ न्यूट्रिएंट साइकिल। यही साइकिल है जिसपे जिसने अर्थ को पूरा मतलब चला रखा है, इस साइकिल की वजह से ही सारी अर्थ चल रही है, कहीं कोई मर रहा है तो कहीं कोई जीवित हो रहा है, वो एक चीज है यहाँ पे। ओके एवरीवन, ओके, आगे देखो, केमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल बता दिया मैंने आपको, एनर्जी का फ्लो होता है, साइकिल होता रहता है, रिसाइकिल अगेन एंड अगेन, वो जो है चीज चलती रहती है। अब आगे कुछ और चीजें, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आगे देखते हैं इनको वन बाय वन। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अनअकैडमी अकेला जिंदल टेलीग्राम है ही, आपको पता ही है, वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट का सुन लो एक बार भाई, देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ये एक मतलब जो भी है, और ऊपर से लीव्स भी आ रही है, सन की रेज पड़ती है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके 7 साल का जीवन है मान लो, तो 7 साल पूरे हो गए, मर जाएगा अभी, ठीक है भाई, मर गया, डाई। अब ये मरने के बाद नीचे चला जाएगा, मतलब लाइक डीकम्पोजर इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर में, फिर ग्रेजुअली ग्राउंड वाटर पानी से वो अच्छे से मिनरल, सोयल जो है वो मिनरल में बदल जाएगी, मैन्योर में बदल जाएगी, है कि नहीं। अब मैन्योर बदल जाएगी तो वो अपनी जमीन में आ जाएगी, वहीं से ही आपको एक और पेड़ ग्रो हो जाएगा, ऊपर से पानी वर्षा के थ्रू ऊपर से मिल ही रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा पेड़ ट्री ग्रो हो जाएगा। तो जो न्यूट्रिएंट्स एनिमल में थे वो सोयल में आए, सोयल से फिर मैन्योर बने, मैन्योर से एक नई प्रोड्यूसर जो है वो तैयार हो गया, वो एक साइकिल होती है जो आपकी नाइट न्यूट्रिएंट साइकिल होती है। क्लियर सबको, क्लियर, वो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है। दो न्यूट्रिएंट साइकिल के टाइप ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कितने टाइप वाइप क्या होते हैं वैसे सुन सुन ले जाएगा। नेचर ऑफ रिजर्वॉयर गैशियस और सेडिमेंट्री होती है, गैशियस साइकिल है तो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में इनका काम चलेगा, जैसे वाटर साइकिल, कार्बन वगैरह। सेडिमेंट्री है तो फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम साइकिल, आगे हम वन बाय वन बात कर ही लेते हैं। ओके, अब आ जाओ भाई वाटर साइकिल पे, वी आर कवरिंग द वाटर साइकिल नाउ। यहाँ पे है सारा पानी, ठीक है, पानी ने क्या किया, पानी जो है सन की रेज से वो इवापोरेट हो गया, ऊपर चला गया, ऊपर जाके प्रेसिपिटेट, ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है, ये बादल यहाँ पे बन गए, ठीक है, ज्योग्राफी वाला कंसेप्ट याद करो। फिर इसके बाद कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स जो है वो बारिश में बदल जाएंगे, प्रेसिपिटेशन होगा, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा, फिर से पानी यहीं पे आ जाएगा, एक समय के बाद फिर से पानी ऊपर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है पानी का ऊपर नीचे आते जाते रहना, ये हमारी अर्थ के टेम्परेचर को बहुत ही नॉर्मल सा बना देते हैं, यहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल ऐसी कंडीशन तैयार कर देते हैं, दैट इज नोन एज अ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल सबको क्लियर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बताओ एक बार। आगे आते हैं कार्बन साइकिल या गैशियस साइकिल, यहाँ भी हम लोग नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बारे में। पेरियोडिक
विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अपनी लाइफ को मतलब सोच भी नहीं सकते कि कार्बन अगर नहीं होगी तो हम लोग जी भी कैसे सकेंगे, है ना। तो उसके लिए हम सोच भी नहीं सकते, वी कुड नॉट सर्वाइव। एलिमेंट ये जरूरी होता है, कार्बन एटमॉस्फेयर में है, CO2 की प्रेजेंस में वो आपको मिल जाती है। कार्बन साइकिल जो होती है, कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ कार्बन होता है एटमॉस्फेयर में या ऑर्गेनिज्म में बदलता रहता है। ओके, जैसे देखो अभी यहाँ पे कार्बन साइकिल द मीन क्या होगा, ये एक मतलब हॉर्स है, घोड़ा है, ये रेस्पिरेट कर रहा है, रेस्पिरेट कर रहा है तो CO2 एक्सहेल कर रहा है, बाहर छोड़ रहा है CO2। CO2 फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लांट्स उसको ले रहे, ले लिया उन्होंने, मान लो 10% छोड़ी थी, 10 के 10% फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ने ले ली, ठीक है। एक दूसरी चीज मान लो इसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो नीचे चला जाएगा, बायोडिग्रेड हो जाएगा डेफिनेटली, CO2 आके जाके सोयल में मिलके CO2 रिलीज करेगा और फिर से वो CO2 प्लांट्स पृथ्वी के अंदर से उसको इनहेल कर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज अगर मान लो ये मर गया, मान क्या लेना है, एक दिन तो मरना ही है, तो हॉर्स जो है वो डेड हो गया ऑर्गेनिक मटेरियल, फिर ये बायोडिग्रेड होके CO2 बन जाएगा और CO2 से प्लांट चलेंगे। तो यानी कि कार्बन के जो एलिमेंट्स थे वो एक ही ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से पूरे इकोसिस्टम में फैले हैं, वो चीज हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, कैसे साइकिल हुई है उसके डेड होने से, वेस्ट मटेरियल से या उसके रेस्पिरेशन के माध्यम से ऐसा हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। नाइट्रोजन को आप लोगों ने अच्छे से करना है। देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एमिनो एसिड और जो प्रोटीन है वो इनके इसमें मिल जाएंगे, वो इनके प्लांट्स या एनिमल्स में मिल जाते हैं। फिर ये डेट्रिटस होते हैं, डेट्रिटस मतलब डेड होने के बाद डेट्रिवोरस एल्गी बैक्टीरिया वगैरह इनको मार देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, वेलकम मिस्टर, ठीक है। जब इनको डिकम्पोज किया जाता है इनमें से एक चीज निकलती है जिसका नाम होता है अमोनिया। क्या नाम होता है? अमोनिया। अमोनिया आने के बाद, इसके आने के बाद नाइट्रेट में ये चीज बनती है, नाइट्रेट। रिदम क्वेश्चन बेशक ना हो, अभी वैसे क्वेश्चन आ सकेगा, कोई इश्यू नहीं है, आ सकेगा क्वेश्चन ना हो, अगर कोई भी रिलेटेड कार्बन वार्बन से रिलेटेड बात आती है छोटे से पोर्शन में आप इन्हें मेंशन करते हो तो बात बन जाती है, छोटे से कोने में आपको साइकिल बना दोगे तो लगेगा कि हाँ एनवायरमेंट का कुछ नॉलेज है उनको, फाइन। इसके लिए ट्रिक याद करो, आप में से किसी ने मुझे बताई हुई है, नंद। सबसे पहले बात होती है नाइट्रिफिकेशन, क्या क्या काम करता है, नाइट्रिफिकेशन। फिर एक नई चीज आती है अमोनिया बनता है, उसका अमोनिफिकेशन होता है। तीसरी चीज नाइट्रेट बनते हैं और एक जो चौथी चीज है वो डी नाइट्रिफिकेशन होता है। तो नंद से याद कर लो, नाइट्रोजन है, अमोनिया बनेगा, अमोनियम बनेगी, नाइट्रिफिकेशन होगा, लास्ट में डी नाइट्रिफिकेशन उसका आपको हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ लेना आप लोग अपने आप अपने एंड से पढ़ लीजिएगा, सारा मैंने ऐड कर दिया आप लोगों के लिए, ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं सारा ही पढ़ लूँ, इतना डेप्थ में मत जाना, जितनी चीज बताई है बस उतना कर लो, इनफ रहेगा। अमोनिफिकेशन क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, यूरिया या यूरिक एसिड वगैरह, उस चीज को, उस वेस्ट प्रोडक्ट को या डेड एनिमल्स वगैरह को वे इनऑर्गेनिक अमोनिया में बन जाते हैं, इनऑर्गेनिक अमोनिया में बन जाते हैं और फिर वे कन्वर्ट किए जाते हैं अमोनियम आयन से बैक्टीरिया के द्वारा और उसे आप अमोनिफिकेशन बोलते हो। लास्ट प्रोसेस है डी नाइट्रिफिकेशन, कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में ही बदल दो, लास्ट में काम खत्म, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल दो, ठीक है। तो वो एक चीज है, काम ही खत्म हो जाता है, फाइन। तो ये थे भाई आप लोगों की सीरीज, सेकेंड चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड भी कंप्लीटेड एंड सेकेंड का भी आई थिंक हम थोड़ा बहुत आगे कर चुके हैं, कल हम नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, तो स्टे ट्यून गाइस विद अन अकेडमी UPSC करंट अफेयर। प्लीज अभी जरूरत है कि आप लोग शेयरिंग करें अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, एंड जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप लोग थोड़ा शेयर करो, क्लास में स्टूडेंट होने चाहिए तभी मजा आता है पढ़ने में भी, ठीक है। नाइट्रोजन अमोनिया, नाइट्रिफिकेशन, डी नाइट्रिफिकेशन, ये संतोष बिल्कुल सही बात है, दैट इज अ ट्रिक ऑफ नंद। नाइट्रोजन की जो साइकिल है ना उसकी ट्रिक है, शिवानी ने शेयर की थी हमारे साथ ही, थैंक्स टू हर। ओके, तो अभी आप प्लीज लाइक करो, ठीक है,
शेयर भी करो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ, रिक्वायर्ड है वो जरूरी। सब्सक्राइब करो न्यू चैनल को, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और इस चैनल पे आप लोगों के लिए डेली कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं। विल ट्राई कि बहुत ज्यादा और कुछ भी इस पे आते रहे, तो स्टे ट्यून गाइस। सुनो एक सेकेंड, एक नई अपडेट आपको देनी है। कल के दिन सुनो सुनो सुनो, आई विल ट्राई कि जितनी भी रामसार की साइट रहेंगी, द होल रामसार साइट, सुनिए भाई सुनिए, रामसार साइट, उसको मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी ट्रिक से याद कराऊंगी इसी चैनल पे, और कल या परसों जो भी रहेगा अपडेट वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी टीम से कनेक्ट करके। तो टाइमिंग आई थिंक मिडवे में रहेगी, दिन में रहेगी टाइमिंग। तो पूरी रामसार साइट को एक सुंदर सी ट्रिक के साथ एक ही क्लास में हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना? तो उसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है वो, सेल्फ मेड है तो अच्छी रहेगी, आपको पता ही है ट्रिक अच्छी बनती है। सो वो हम करने वाले हैं कल के दिन, सो स्टे ट्यून गाइस। एंड अभी हम मिल रहे हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, 8:15 मॉक टेस्ट होगा, सो प्लीज ज्वाइन मी ऑन टाइम। एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए या अनलॉक करने के लिए जस्ट यूज माई कोड एंक लाइव, ANKLIVE, ये कोड यूज करिए, आप लोगों को बेस्ट ऑफ भी मिलेगा और अनलॉक भी कर सकेंगे। थैंक यू।